इस वीडियो में बात करेंगे आपका फेसबुक अकाउंट किसी ने हैक भी कर रखा है या नहीं, कैसे पता लगाए। क्योंकि अगर एक बार आपका फेसबुक अकाउंट हैक हो जाता है तो ऐसे में आपको आगे जाकर के बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके जरिए आप आसानी पूर्वक पता लगा सकते हैं कि आपका फेसबुक अकाउंट हैक भी हो रखा है या नहीं, और अगर हैक हो चुका है तो उससे आपको कैसे छुटकारा पाना है, इसके रिगार्डिंग भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चेक करना है सबसे पहले कि आपके अकाउंट पर, जो भी फेसबुक अकाउंट है, उस पर अननोन एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, यानी कि आप कुछ पोस्ट कर भी नहीं रहे हो, उसके बावजूद भी आपके फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट हो रही है, चाहे इमेज हो, वीडियोज हो, मैसेज हो, किसी भी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट हो शेयर किया जा रहा है, या फिर इलीगल पिक्चर्स वगैरह, वीडियोज वगैरह शेयर किया जा रहा है। तो अगर आपके अलावे कोई और आपके अकाउंट पर किसी भी तरह का पोस्टिंग कर रहा है तो मींस आपका अकाउंट हैक हो चुका है, क्योंकि आप कर नहीं रहे हो तो आपके फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट कर कौन रहा है। तो ऐसे में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि अकाउंट तो आपका है लेकिन पोस्ट कोई और कर रहा है, और अगर गलत चीजें पोस्ट की जा रही है बार बार आपके अकाउंट पर, तो ऐसे में आपका फेसबुक अकाउंट बैन हो जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये चेक कर लेना है पोस्ट आप किस तरीके से करते हैं, यहाँ पर आकर के और अपना प्रोफाइल पर चेक कर लीजिएगा किस तरह का पोस्ट किया गया है। ओके, मैंने ये सारी चीजें पोस्ट कर रखा है, ये एक अलग बात है, लेकिन अगर आप कोई अननोन फोटोज या वीडियो देख रहे होंगे जो कि आपने नहीं किया, उसके बावजूद भी यहाँ पर पोस्ट किया गया है, तो फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहले तो आपको यही चेक करना है। इसके अलावा सेकेंड तरीका यानी कि दूसरा मेथड है काफी जबरदस्त, इससे आप ये पता कर सकते हैं कि आपका जो फेसबुक अकाउंट है कौन कौन यूज कर रहा है। ठीक है ना, तो सिंपल आपको करना क्या है, फेसबुक ऐप को ओपन करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको इस प्रोफाइल पर क्लिक करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद सेटिंग्स पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको काफी सारे ऑप्शन दिखेंगे, आपको मेटा वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा नीचे में वेयर यू आर लॉग्ड इन, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना प्रोफाइल सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आपका फेसबुक अकाउंट किस किस डिवाइस में किस किस जगह पर लॉग इन किया गया था या फिर लॉग इन है। ओके, यहाँ पर आप देख रहे होंगे जैसा कि अभी यह जो फेसबुक अकाउंट है मेरे इस डिवाइस में लॉग इन किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आपको एक और डिवाइस का नाम दिख रहा होगा। ओके, तो यहाँ पर आप चाहे तो लॉग आउट कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए यह एक डिवाइस है, मैं इस डिवाइस को नहीं जानता, उसके बावजूद भी इस डिवाइस में, इस फोन में, इस ब्राउजर में मेरा फेसबुक अकाउंट लॉग इन किया हुआ है, इसका मतलब है कि मेरा फेसबुक अकाउंट किसी ने हैक कर रखा है, कोई और मेरे अलावे मेरे अकाउंट को मैनेज कर रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा आपको दिख रहा है कोई अदर डिवाइस, अननोन डिवाइस का नाम, तो समझ जाना आपका फेसबुक अकाउंट हैक हो चुका है, आगे आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको सिंपल करना क्या है, अगर इस तरह का कोई अननोन डिवाइस का नाम दिख रहा है तो सिंपल यहाँ पर सेलेक्ट डिवाइसेज टू लॉग आउट पर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, उस डिवाइस को जिससे आप लॉग आउट करना चाहते हैं, और यहाँ पर लॉग आउट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है, बस इतना ही करेंगे। उसके बाद क्या होगा, आपका फेसबुक अकाउंट इस डिवाइस से लॉग आउट हो जाएगा। मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैंने अदर डिवाइस में खुद से ही लॉगिन कर रखा है। ओके, तो ये दो तरीका आपको फॉलो करना है, अगर आपका फेसबुक अकाउंट हैक होगा तो पता चल जाएगा, इसके अलावा अगर पता चल जाएगा तो फिर आप इसी तरीके से छुटकारा भी पा सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्त वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा, सो वीडियो को आप लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिए।